वेलकम माय डियर सीनियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशल वीडियो आपको समर्पित है। सीनियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन वीक में मुझे हजार की संख्या में कॉल्स आए, पूरे देश से, गांव से, कोई इलाका, कोई क्षेत्र छूटा नहीं। इसमें बार बार ये कहा जाता रहा और मैं इंडिविजुअली जवाब देता रहा कि वो किस तरह परेशान है, आप सीनियर स्टूडेंट किस तरह परेशान है, किन्हीं का 3 ईयर से सिलेक्शन नहीं हुआ, किन्हीं का 4 ईयर से सिलेक्शन नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेटेड है, कोई अंतिम दहलीज तक आकर के SBI PO मेन क्वालिफाई नहीं कर सके। हर जगह फ्रस्ट्रेशन, लेकिन निराशा में आशा छुपी हुई होती है। मुझे लगता है कि अभी 1 ईयर हुए नहीं, इस पूरे पीरियड में मैंने एक हलचल पैदा कर दी है। मुझे लगता है कि मेरा अभियान जिस मकसद को लेकर शुरू हुआ था वो सचमुच सही डायरेक्शन में जा रहा है। किसी में जुनून पैदा हुआ है दिन रात लग करके पढ़ लेने का। मैं तो रात में 1:30-2 बजे तक काम करता हूं, उस समय भी सबों को कमेंट करते, पढ़ते महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं। मुझे ये फील होता है कि स्टूडेंट्स का एक बड़ा क्लास किस तरह से जी जान से लगा हुआ है, और एक ऐसा क्लास जो जी जान से लगा हुआ है लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है। इंडिविजुअली मैं जवाब दे देकर थक गया, और आखिर फोन में 1 मिनट 2 मिनट्स में कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। इसी ने मुझे प्रेरणा दी ये वीडियो बनाने का। आज मैं खुलकर इस मैटर पर बात करना चाहता हूं, स्पेशली सीनियर स्टूडेंट से जो काफी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। मैं उनको कैटेगराइज करके बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो बी रिलैक्स, टेंशन कुछ नहीं देता, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं आपकी सारी समस्याओं पर एक एक कर बात करूंगा। शायद आप सबों में हर स्टूडेंट की जो अलग अलग समस्याएं हैं उन सबों का समाधान इस एक वीडियो से हो सके। सबसे पहला कैटेगराइजेशन होगा जो लगभग सफलता की दहलीज पर हैं। SBI PO मेन में अंत में कुछ मार्क्स से छूट गया, प्री से मेन पास करते समय कुछ मार्क्स से छूट गया, IBPS PO क्लर्क SO लास्ट ईयर से लेके अभी तक छूट गया, वो पूरी तरह तैयार हैं, पता नहीं कहीं कुछ हुआ और वो छूट गया, और SSC CGL या SSC के अंतर्गत दूसरे एग्जाम में भी लगातार लास्ट ईयर बस कुछ मार्क्स से छूट गया। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बात करना चाहता हूं, इन दोनों भाग को एक भाग में रख करके, फिर उनको अलग अलग करके, और फिर मैं बात करूंगा ऐसे स्टूडेंट जिनके काफी कॉल्स आए। उसी ने मुझे प्रेरणा दी कि 3-4 ईयर्स हो गए, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, सचमुच आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, आशा की किरण थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है मेरे वीडियो से, लेकिन फिर भी साफ साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा और पीछे जाना मुश्किल है, आखिर क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है। मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो लगभग सफलता की दहलीज पर हैं, कृपया वो अपना लाइन न बदलें। ये सबसे पहली सलाह है, किसी भी हालत में अपना लाइन न बदलें। जिस लाइन पर चलकर पिछले 6 मंथ्स या 1 ईयर या 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स से आप वहां तक पहुंच चुके हैं जहां बस हल्का सा प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना है, तो समझ लीजिए कि आपका पीछे का रास्ता बंद है, आपको सिर्फ आगे जाना है और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक सोच में है,
वो सोच ये है कि इवन एसबीआई पीओ मेन क्वालिफाई नहीं कर सके तो आप सोचते हैं वन मार्क से छूट गया, एसएससी सीजीएल फाइनल क्वालिफाई नहीं कर सके और आपको लगता है कि 1-2 मार्क्स से छूट गया। ये सोच जो है इसी में दिक्कत है। छूटता 1 मार्क से नहीं है, 100 सीट हो, 200 का टोटल मार्क्स हो और 100 सीट्स में टॉप वाले को 200 में मान लीजिए 180 मिले और लास्ट वाले को 150 मिले, तो आपको 149 आया तो आप 1 मार्क से छूट गए। ये क्या तरीका है? 150 आता तो पास हो जाते। आप 150 के बारे में क्यों सोचते हैं? आप उस लोअर कट ऑफ के बारे में क्यों सोचते हैं जो लास्ट रैंकर को मिला? वहां पर सोचने वाला 150 से 149 तो होगा ही ना। ये सोच में गड़बड़ी है। आप टॉप नहीं सोच सकते तो भी ऊपर सोचिए, अगर 150 से 180 के मार्क्स का रेंज है सिलेक्शन का तो आप 170 के बारे में सोचिए, 175 के बारे में सोचिए, 150 के बारे में क्यों सोचते हैं कि आपका 1 मार्क से रह गया? सारी गड़बड़ी यहां है। यानी जो करेक्शन करना है वो 1 मार्क से नहीं करना है, 1 मार्क से नहीं करना है। उसमें गड़बड़ी काफी है, कई जगहों पर है, उसको एनालाइज कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि इसमें बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाले और एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने वाले, तो बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वालों के लिए मैं कहता हूं कि देखिए ये जो प्री एग्जाम्स होने हैं, आरआरबी का प्री हो, फिर आईबीपीएस पीओ के लिए प्री होगा और फिर आगे आईबीपीएस क्लर्क के लिए होगा, प्री में आपको दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, प्री तो आप हंसते खेलते पास करेंगे। इस समय का उपयोग प्री को लेकर के टेंशन लेने का नहीं है। आप अपने बेसिक्स को और अपने वीकनेसेस को ठीक करने के बारे में सोचिए। तो प्री के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो आपको 3 से 4 मंथ्स मिल जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण आपको दिक्कत हो रही है। तो बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाला जो पूरा समूह है उसमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो अपना इंग्लिश कैसे ठीक करें इस दौरान वो सोचें, बेसिक्स को ठीक करें। अगर आपको रिजल्ट चाहिए डेफिनेटली, और ये भाग्य के बारे में नहीं सोचना है, अपने कर्म अपने मेहनत पर विश्वास करके रिजल्ट लेना है, तो फिर टू द पॉइंट प्रॉब्लम पर आइए। हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो खुद प्रयास करेंगे तो ही उनका ये इंग्लिश ठीक होगा, ये तो सही है, लेकिन अब और ज्यादा वेट करने का टाइम नहीं है क्योंकि 2-3 साल आपसे 2-3 साल से करते आ रहे हैं। तो अगर आपको नजर आता है कि कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश आपको ठीक से सिखा सके तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अधिकतर इंस्टीट्यूट तो एकदम बेकार में सिर्फ पैसा कमाने के लिए खुलते हैं, शायद ही कोई इंस्टीट्यूट हो या कहीं पर जहां पर आपको अच्छा फील हो। मैंने रेयर है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, मतलब रेयर है, हजारों इंस्टीट्यूट को ढूंढिएगा तो उसमें 2-3 मिलेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। इससे भी अच्छा है कि आप अच्छे इंग्लिश के टीचर को ढूंढिए, ये थोड़ा आसान है अच्छे इंस्टीट्यूट को खोजने की तुलना में। अच्छे इंग्लिश टीचर से 1.5-2 महीने जहां भी आप रहते हैं देश के जिस कोने में भी, और उसके लिए कोई बड़ा नाम होना टीचर का जरूरी नहीं है, ये गलती कीजिएगा तो फिर वही हाल होगा। जिस टीचर का बहुत नाम है वो सब कुछ नहीं। आप देखिए जिनको इंग्लिश पढ़ाने का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास वो चीज है, आप उनके पास जाइए, उनसे 1.5-2 महीने के लिए इंग्लिश ठीक कर लीजिए। बढ़िया से इंग्लिश पर जोर देंगे ना इंग्लिश टीचर के पास जाकर के, तो आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, और इस बीच इंग्लिश ठीक हो जाएगी तो आपकी एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो, उनका करंट अफेयर्स वीक होगा। करंट अफेयर्स पढ़ते तो सभी हैं, कुछ का बहुत वीक होता है, कुछ को बहुत डर लगता है, किसी तरह से कर लेते हैं। बेसिक्स पर जाइए कि करंट अफेयर्स आपको अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि चीजें आप समझते नहीं। करंट अफेयर्स के लिए भी देश मतलब अपने राष्ट्र, अपने कंट्री, अपने राज्य
और पूरी दुनिया में विभिन्न देशों का मैप चाहिए, उसकी वर्तमान स्थिति, उसकी ज्योग्राफी चाहिए, एक तरह से वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट शॉर्ट में वो चाहिए, एक तरह से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी चाहिए। ऐसा होने पर ही करंट अफेयर्स आपके दिमाग में घुस सकेगा, अदरवाइज मैगजीन लेके रटते रहिएगा, वो निकलता रहेगा और वो सिर्फ तनाव पैदा करेगा, तनाव से बाहर निकलिए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं करंट अफेयर्स का, बहुत अच्छा संग्रह देते हैं, लेकिन मैं क्यों उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि कुछ स्टूडेंट्स उसको बहुत अच्छे तरह से ले लेते हैं और उनको बहुत फायदा होता है, लेकिन हर स्टूडेंट ले नहीं पाते। जो स्टूडेंट ले पाते हैं वो चूंकि लगातार करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं और सारी चीजों को देख समझ रहे हैं, तो उनके लिए वो वरदान है, वैसे वेबसाइट्स और उस तरह का करंट अफेयर्स का कलेक्शन। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं हजारों लाखों की संख्या में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वो अवेलेबल नहीं है या फिर वो करंट अफेयर्स उनके दिमाग में नहीं आता। उनको 3-4 मंथ्स के लिए मैं बात कर रहा हूं ना, उन्हें डेली पेपर पढ़ना चाहिए, डेली न्यूज सुनना चाहिए, न्यूज का डिस्कशन करना चाहिए, टीवी पर डिस्कशन देखना चाहिए, वो परेशान ना हो कि मैथमेटिक्स वीक है या क्या है, दरअसल उनका सब कुछ तैयार है, उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका इंग्लिश वीक होगा, बाकी सब ठीक होगा, उसके लिए मैंने इंग्लिश के बारे में सलाह दी। अब कहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका सब कुछ ठीक होगा, करंट अफेयर्स गड़बड़ है, तो करंट अफेयर्स पर पूरा जोर देकर उसको ठीक ही कर लेना। जब आप सुनिए, जब आप रोज पेपर पढ़ेंगे, रोज न्यूज सुनेंगे, रोज डिस्कशन में शामिल होंगे, टीवी में जो डिस्कशन देता है स्पेशली इकोनॉमिकल जिसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं वो, और बिजनेस स्टैंडर्ड टाइप का पेपर पढ़ते हैं, 1 मंथ आप ऐसा कर लेंगे ना, तो बेसिक्स आपका दिलो दिमाग करंट अफेयर्स के लिए तैयार हो जाएगा 1 मंथ में। इसके बाद आप मंथली मैगजीन आपको समझ में आने लगेगा, मंथली मैगजीन तो बेस है, सारी चीजों को कलेक्ट करके एक मैगजीन जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए वो आपके सामने रख देता है। कोई करंट अफेयर्स का वेबसाइट भी लगातार, अच्छे वेबसाइट्स, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, अच्छे वेबसाइट्स आपके सामने चीजों को रख देते हैं, ये चीजें तभी आपको अच्छी लगेंगी और आप उसमें बेहतर कर सकेंगे। तो ये करंट अफेयर्स हुआ। वैसे स्टूडेंट्स में एक बड़ा क्लास उनका है जिनका ये मानना है कि स्पीड नहीं बढ़ पा रहा मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, उनका कॉन्सेप्ट है पढ़ भी रहे हैं, पास भी कर रहे हैं, संतुलन बना के पास कर रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है। तो मेरा कहना है कि स्पीड जो होता है उनको दो भाग में, दो दृष्टि से देखना चाहिए। एक आपका कैलकुलेशन का तरीका, ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं स्पीड के साथ इसको जोड़ रहा हूं, वो बेसिक कैलकुलेशन, वो सिंप्लीफिकेशन जो आप मेरे प्लेलिस्ट में और वीडियो एपिसोड्स में देखते हैं वो आधार है, वही आपका स्पीड बढ़ाएगा। बिना कैलकुलेशन के तो कोई चैप्टर नहीं होता ना, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन को और सिंप्लीफिकेशन को, दोनों का ही मेरा प्लेलिस्ट बहुत शानदार है, वो देख लेने से, वो कर लेने से उस पर कमांड हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन स्पीड सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है किसी चैप्टर का रियल कॉन्सेप्ट। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रिय सीनियर स्टूडेंट्स, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं कि आपको अगर अच्छा स्कोर नहीं हो रहा तो उसका कारण यह है कि मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में आपका बहुत सारे चैप्टर पर अच्छा कमांड हो चुका है, कुछ एरिया है जहां पर आपको प्रॉब्लम्स है, उन एरिया, उन चैप्टर्स को उठाइए और बेसिक बुक्स की ओर चले जाइए। ये तो मेरा कहना सही है कि मेरा प्लेलिस्ट, मेरा वीडियो ये सब सफिशियंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपको लग सकता है कि नहीं थोड़ा क्लियर होना चाहिए, इस चैप्टर से मुझे डर ही लग गया है, ऐसा कुछ है, तो फिर बेसिक बुक की ओर चले जाइए उन 2-3 चैप्टर के लिए और एक बार थोड़ा पढ़ समझ लीजिए। हालांकि मैं ऐसे समझता नहीं कि मेरा किसी चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको समझा ना सकेगा, ऐसा मैं नहीं मानता, मुझे लगता है कि आराम से आपको समझ में आएगा। फिर भी मैंने कहा बेसिक बुक्स की ओर आप चले जाएं, उसको देखें, उसके आधार पर उसको ठीक करें। ये हो गया।
ये बैंकिंग के लिए था। एसएससी एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, 3-4 ईयर्स के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अलग से बात करूंगा। जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी स्थिति भी लगभग इसी तरह से है जो बैंकिंग वाले की थी। मैथमेटिक्स के बारे में वही बात है, करंट अफेयर्स जीएस का एक पार्ट है वो उसके साथ भी वही बात है, और रीजनिंग और मैथ के बारे में भी वही बात है, इंग्लिश के बारे में भी वही बात है। रियल बात दो चीजों को लेकर के है, एक जनरल स्टडीज और दूसरा एडवांस मैथ मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स को लेकर के बात करता हूं। तो एसएससी सीजीएल के मेरे प्रिय सीनियर स्टूडेंट्स, आप सबों ने जो फोन्स किए और आपने जो प्रॉब्लम्स बताए वो इशारा करता है दो भाग की ओर, एक जनरल स्टडीज और दूसरा मैथमेटिक्स में दोनों तरह के स्टूडेंट्स थे। एक जिनको कमर्शियल मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम था लेकिन एडवांस मैथ पर अच्छा कमांड था, उन्होंने ये कहा। लेकिन एक बड़ा भाग था जिनका कि एडवांस मैथ पर कमांड था, कमर्शियल मेथड मैथमेटिक्स गड़बड़ था, मतलब एक अच्छा है दूसरा बुरा, इस तरह से दूसरे में गड़बड़ी है। तो मेरा कहना है, ये जिनके साथ भी है, कि कमर्शियल मैथमेटिक्स पर मेरा पूरा जो प्लेलिस्ट है वो तो बहुत जबरदस्त है, उसको कर लेने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जब आप 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपका ध्यान अपने आप कॉन्सेप्ट और बेसिक्स की ओर चला जाएगा, वो देखिएगा। एडवांस मैथ मैंने इस तरह से पढ़ाने का प्रयास किया है कि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए, फिर भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेकर के आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। हाँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब मैंने कहा तो मुझे याद आया ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आज मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। इस पर इतना हो हल्ला और हंगामा हो रहा है और आप लोग भी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, इस पर मैं आज चर्चा जरूर करूंगा, एक साथ आपसे बात करूंगा आप सबों से। हाँ, लास्ट में लेकिन, तो इस पर पहले मैं चर्चा कर लूं। तो मैथमेटिक्स का ये सेक्शन आप समझ गए। एसएससी सीजीएल का जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें जनरल स्टडीज को लेकर के भारी समस्या है, सक्सेस के मार्ग में बड़ी बाधा बनी हुई है स्टूडेंट्स के एक बड़े नंबर के साथ। वो क्या करते हैं देखिए, मजबूरी है, कोई सही रास्ता ही नहीं दिखाता, समझ में आता नहीं, अचानक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, लगता है साइंस का स्टूडेंट पागल हो जाएगा, और आर्ट वाला ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। कोई कहता है कोई बुक पढ़ लीजिए, मैं बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई बुक्स हैं मार्केट में जो बहुत पॉपुलर हैं और जिन्हें सारे स्टूडेंट खूब पढ़ते हैं, खूब रटते हैं और फिर भी पास नहीं कर पाते, वो बुक्स नहीं है, वो गाइड है। बुक्स तो बुक्स होते हैं, उनका स्थान गाइड कभी नहीं ले सकता। सुनिए, जनरल स्टडीज में आपका कमांड नहीं होता, मैं नहीं कहने जा रहा कि आप एकदम कमांड हासिल कर ही लीजिए, ठीक है 25 मार्क्स का पेपर अगर है तो 25 में 20 में कैसे लाऊं ये सोचना है, 23-24 मत सोचिए, लेकिन 15 भी नहीं चलेगा, 20-25 में 20 कैसे आएगा ये सोचने का है। तो सुनिए, सबसे पहले स्टूडेंट को मैं दो भाग में बांटता हूं, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने वाले का, एक साइंस वाले दूसरा आर्ट वाले, और दोनों के लिए वहां पर मौजूद है। करंट अफेयर्स तो दोनों के लिए समान महत्व रखता है, दोनों को करने का है। इसके बाद जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के बारे में सोचना है। बताता हूं उसमें आप क्या करेंगे। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के हैं आर्ट वाले, उनका ये सेक्शन ठीक होगा, इनको स्ट्रांग बना लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो कोई गाइड आपको क्या गाइड करेगा, अरे जिसने ऑनर्स कर लिया हिस्ट्री में उसको कोई गाइड लेके क्या जरूरत है, वो तो बेसिक्स एक बार देखेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा आर्ट के स्टूडेंट का आर्ट वाला पार्ट और साइंस के स्टूडेंट का साइंस वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, उसको बेस बनाइए और करंट अफेयर्स को ऐड कर लीजिए, हो गया, लगभग आप पास करने की स्थिति में आ चुके।
अब साइंस वाला आर्ट कैसे पढ़े ये मैं बताता हूं, और आर्ट वाला साइंस कैसे पढ़े ये भी मैं बताता हूं, और दोनों का आधार ये है कि आप गाइड वाइड के चक्कर में न जाएं, वो आपको याद ही नहीं होगा। आप एनसीईआरटी का क्लास 9 और 10 का, और अगर किसी की इच्छा हुई तो 11 और 12 का, क्योंकि 11 और 12 वाले को मैं बेस्ट मानता हूं, वो यूपीएससी के ख्याल से जबरदस्त है, तो एसएससी और दूसरे के लिए भी, रेलवे के लिए भी वो ठीक ठाक बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो 9 10 साइंस का, तो स्पेशली 9 10 अगर आप मुझसे पूछिएगा तो साइंस के लिए मैं बोलूंगा 9 और 10, और आर्ट के लिए मैं प्रेफर करूंगा 11 और 12 एनसीईआरटी का, वो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लिए। इसको पढ़िए, ये ज्यादा मोटी किताबें नहीं है, आपको आप इससे भागते हैं, आप चाहते हैं कहीं से कोई पॉइंट्स लिखा दे, अरे पॉइंट्स बदल जाएगा ना, एग्जाम बोर्ड को मालूम है कि आप कहीं से कुछ रट के आ गए हैं, इसलिए ट्विस्ट करके थोड़ा ऐसा पूछा जाएगा कि सब चौपट गलत हो जाए। उस पर जाइए, 2-3 महीनों में आप बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी बुक में बढ़िया से लिखा हुआ है विथ रीजन, यही तो उन बुक्स की विशेषता है, उनसे आप प्रिपरेशन करेंगे, जीएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ और भी करना होगा, वो इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो बाद में किसी वीडियो में, कि जनरल स्टडीज में और किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे कि और ज्यादा चांसेस हों, और 25 में 20 प्लस हो पाए, 25 की ओर जा पाए, 23 हो, 24 हो, ETC। ठीक है, ये आप समझ गए, ये एक भाग था जिसके बारे में मैंने बात की। अब मैं बात करता हूं जिनका 3-4 ईयर्स से जिनका छूट गया है, तो उसके पहले मैं ऑनलाइन टेस्ट पर बात कर लेता हूं, तब वहां जाऊंगा। ऑनलाइन टेस्ट जिनके पास जाइए वही बोलेंगे ऑनलाइन टेस्ट, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी वेबसाइट, हर जगह ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। मैं बताता हूं कि मैं ऑनलाइन टेस्ट का विरोध क्यों करता हूं, या उसमें क्या दिक्कत मुझे नजर आती है। सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन टेस्ट को थोड़ा मैं महत्व देता यदि वो एग्जाम बेस्ड जैसा डाटा होता है, वो ठीक ठीक एग्जाम में आज तक पिछले 20, 25, 30 वर्षों में, 40 वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को कलेक्ट करके वो टेस्ट लेते तो रियल टेस्ट होता, तो इसका कुछ महत्व बनता था। वाहियात डाटा लेकर के और टेस्ट सीरीज बना दिए जाते हैं, ये स्टूडेंट को सिर्फ फ्रस्ट्रेट करता है, ये एक बात है इसका समर्थन ना करने का। दूसरी बात क्या है, अगर वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अच्छा भी हो तो भी मैं उसको उतना पसंद नहीं कर रहा। क्यों, क्यों कर रहा हूं, क्यों समझिए। पहले ऑनलाइन टेस्ट में आपके सामने क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है, जो भी आपने टिक लगाया उसके बाद देते गए, खत्म। आपको क्या आता है ये टेस्ट हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न अच्छा था, वो कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज था, उसने एग्जाम पैटर्न पर ही क्वेश्चंस पूछे, मैं मान लेता हूं, और आपने अपना टेस्ट दे दिया, तो ठीक है आज टेस्ट दे दिया, आज आपका ये स्कोर हुआ। फिर कल वही टेस्ट, वही मतलब कोई दूसरा भी टेस्ट हुआ तो फिर टेस्ट, 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 क्या टेस्ट, अरे जो मुझे आता था वो तो टेस्ट हो गया, अब क्या टेस्ट। यानी ऑनलाइन टेस्ट से आदमी सीखता नहीं है, ये नोट कर लीजिए। कौन व्यक्ति क्या कहते हैं, मैं कितने लोगों की आलोचना करने जाऊं, मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपनी बात कहनी है। आप में से जिनको अच्छा लगेगा आप इनको मानेंगे, अदरवाइज जो अच्छा लगेगा वो मानेंगे, बात थोपी थोड़ी जाती है, बात तो अपने से एक्सेप्ट की जाती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ऑफलाइन प्रीवियस ईयर पेपर पर जब आप टेस्ट देंगे, सुनिए इसका फायदा क्या है, जब आप टेस्ट देंगे तो किन क्वेश्चंस को बनाया आप बाद में देख सकेंगे। अब दो फायदे हैं, जिन क्वेश्चंस को आपने बनाया उसको किस मेथड से बनाया, क्योंकि वहीं पर आपने सॉल्व किया होगा, वो मेथड्स बताएगा कि आपने सही रास्ते अपनाए थे या नहीं,
वो कैलकुलेशन बताएगा कि आपने सही कैलकुलेशन किए थे या नहीं, तो आप उसको सुधार पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट में कैसे सुधारेंगे, आपको क्या मालूम किस क्वेश्चन को कैसे आपने बना दिया और टिक लगा दिया, वो क्वेश्चन तो दोबारा आ भी नहीं आपके पास। जिन क्वेश्चन को आपने छोड़ा वो कैसे बनेंगे, जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट लिया क्या उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना सही था। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, 50 क्वेश्चन के पेपर में अगर 20 स्कोर आपका होता है तो आप देखेंगे कि वो 20 क्वेश्चन जिसमें आपने अटेम्प्ट लिया उसमें कम से कम 5 या 7 या 10 ऐसे थे जिनको नहीं लेना चाहिए था, उसके जगह पर दूसरा लेना चाहिए था जितना आपको आता है उसके मुताबिक। और जिन 30 को आपने छोड़ दिए, 30 को, उनमें से 5-10 तो ऐसे ही आपको आता होगा। यानी क्वेश्चन का मैनेजमेंट, पकड़ना छोड़ना, ये मैनेजमेंट ऑनलाइन टेस्ट सिखाएगा क्या? ये ऑफलाइन टेस्ट सिखाएगा ना। ऑफलाइन जितना टेस्ट दीजिएगा आप सीखिएगा, क्योंकि आप टेस्ट दीजिएगा हाफ एन आवर के लिए 50 क्वेश्चन का पेपर, और उसका विश्लेषण कीजिएगा 3-4 आवर्स तक। इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट क्यों लिया, उसको मैंने क्यों छोड़ दिया, वो तो बहुत आसान था, उसको तो मैं कर सकता था, ये ऑफलाइन टेस्ट सिखाता है। इसके बाद जब ये चैप्टर का क्वेश्चन हमसे नहीं बनता, ऑफलाइन बनाने पर भी बाद में भी नहीं होता, तो ये हमें पता चलता है, और तब हम लोग आप जाते हैं उस चैप्टर की ओर और उसके बेसिक्स को ठीक करते हैं। तो ये कौन बताता है, ऑफलाइन टेस्ट ना। आप सोच के देखिए, ऐसे टेस्ट से फायदा है ना जो आपको कुछ करने की प्रेरणा देता हो, ऐसे टेस्ट से कि जा मेरे लायक नहीं है, जाइए। ऑनलाइन टेस्ट क्या कहता है, इतना स्कोर नहीं है, जाइए आप मेरे लायक नहीं। अरे टेस्ट होना चाहिए, आइए, आपने ये गलती की है, ये गलती दोबारा मत कीजिएगा, आइए, दोबारा आइए, मेरे पास आइए। ऑफलाइन टेस्ट बुलाता है, ऑनलाइन टेस्ट भगाता है, ये इसमें अंतर है, इसी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं। अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 3-4 ईयर्स से प्रिपरेशन करते चले आ रहे हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है। एक बड़ा नंबर ऐसे स्टूडेंट का है, मुझे बहुत खराब लगा बात करते समय, जब वो जिस तरह से रुआसे होके बोल रहे थे, जिस तरह से लग रहा था जैसे जिंदगी से हार गए, मतलब बहुत बुरा लगा। और ऐसे एक दो स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे, अनगिनत, मैं नहीं बता सकता कितने स्टूडेंट थे, मैं तो पूरा सप्ताह फोन में ही बिजी रह गया, पूरा का पूरा मेरा डेली रूटीन ही चौपट हो गया है। लेकिन इसने मुझे प्रेरित किया आज ये वीडियो के लिए। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, डिसाइड करने का वक्त है, ये 3-4 ईयर्स होने के बाद डिसाइड करने का वक्त है, बुरा मत मानिएगा, मैं साफ साफ बोलूंगा। मुझे इसका प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं, ये सोचने का वक्त है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं ये कौन सा तरीका है कि जब तक एज ना हो जाए 26 ईयर्स, 28 ईयर्स, 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 35 ईयर्स, तब तक करते ही रहा जाए। मतलब एक पहलू है, करते ही रहा जाए, जीवन के महत्वपूर्ण 35 ईयर्स बर्बाद कर दिए जाए क्या, तो सेवा करने के लिए मैं योग्य हूं कि ना, इसका फैसला ही हो ना पाया। ये सोचिए तो कितना बड़ा क्राइम है, ये एग्जाम बोर्ड हमारे ऊपर क्राइम कर रहा है, समझ लीजिए। 30-35 ईयर्स तक लगाए हुए हैं कि सर्विस देने लायक आप हैं कि नहीं, सेवा देने लायक हैं या नहीं, ऐसा हम क्यों करें। हो सकता है मैंने गलत लाइन चूज किया हो सकता है इस एग्जाम का जो चैप्टर है, कोर्स है, मुझे सूट न कर रहा हो। तो गवर्नमेंट एग्जाम ही सब कुछ होता है, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होता है, ये किसने कह दिया आपको? आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, छोड़िए इसको। मतलब एक पहलू है, मैं दूसरे पहलू पर भी आऊंगा, एक पहलू है ये छोड़िए, आप एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक अच्छा सिंगर हो सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, आप एक अच्छा इंसान हो सकते हैं, आप में बिजनेस क्षमता हो सकती है, आप
अपनी उस क्षमता को पहचानिए। कैरियर हर जगह है, सिर्फ दिखाई नहीं देता। कोई आपके अंदर झांक के देख ले उस क्षमता को और बता दे तो कौन सा लाइन है जिसमें आप आसमान नहीं छू सकते। कोई लाइन बुरा नहीं है, कोई भी सर्विस बुरी नहीं है, कोई भी जॉब ऐसा नहीं है जिसमें पैसा ना हो, जिसमें शोहरत ना हो, जिसमें सेटिस्फेक्शन ना मिले। बस वो दृष्टि चाहिए उस जॉब में, उस डायरेक्शन में, वो मेहनत, वो लगन, और मुझसे सूट करने वाला वो लाइन होना चाहिए। तो एक बार इस पर विचार क्यों ना कर लिया जाए, इस पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। एक पहलू हुआ। अब इसका दूसरा पहलू है, क्यों नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स थे, एनालाइज कीजिए, होगा कैसे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3-4 years नहीं हुआ छोड़ दीजिए, उसके बारे में नाम मत लीजिए। मैं बार बार फोन पर बोलता था, भूल जाइए कि आपका 4 years बीत गया। आप मेरा वीडियो 3 months से देखना शुरू किए हैं, 2 months से देखना शुरू किए हैं, 6 months और टारगेट बना लीजिए। अगर 6 months में सिलेक्शन नहीं हुआ लाइन छोड़ दीजिएगा, लेकिन 6 महीने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। सही डायरेक्शन में हो सकता है आपने प्रिपरेशन ही ना किया हो, हो सकता है आप मिसगाइड हुए हों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया कि मैथमेटिक्स से मन ही उचट गया, डर गए। ऐसी हिस्ट्री पढ़ा दी कि अब हिस्ट्री का नाम सुनने का मन नहीं करता। ये टीचर का जॉब भी बड़ा खतरनाक है, वो चाहे तो किसी में दिलचस्पी पैदा कर दे, चाहे तो हमेशा के लिए भड़का दे। ऐसी दुर्घटना घटी हो उससे बाहर निकलिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, 6 months का टारगेट बनाइए। मैं मानता हूं कि 1 year इज सफिशियंट। आज से लेके अगले 1 साल में 3-4 साल जो किए छोड़ दीजिए, भूल जाइए। नेक्स्ट 1 year के लिए प्लान बनाइए, जिसमें से फर्स्ट 6 months आपका टारगेट होगा कि मुझे जॉब मिल जाना चाहिए, और जी जान एक कर दीजिए, क्योंकि तय होना है, आपको तय करना है, अपना फ्यूचर तय करना है। 6 months में ना हुआ तो और अगले 6 months, 1 year का टारगेट बनाइए, और हर दिन एनालाइज कीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। सफलता छोड़ दीजिए, हर दिन आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है कि नहीं। आप अगर रोज आगे बढ़ रहे हैं आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। अंत में सारी चीजों को समराइज करते हुए मैं कहना चाहता हूं, असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने से आपको क्या मिलेगा, दुनिया में आदमी अकेला होता है, सारे रिलेशन साइड हैं, आपका जीवन आपका है, आप जो भी करेंगे आप भुगतेंगे या आप पाएंगे। इसलिए दूसरे क्या कमेंट्स करते हैं जस्ट इग्नोर। आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी नजर में सही है या नहीं, अगर वो सही है तो उसी रास्ते पर चलना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जिस मंजिल की ओर चले हैं उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। ये मैं कह रहा हूं, लास्ट 24 years का मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मैंने जिस स्टूडेंट को देख के कह दिया कि आपका सिलेक्शन होना है, उनका सिलेक्शन हुआ है। ये आशीर्वाद नहीं है, ये विश्लेषण है स्टूडेंट का, उसकी क्षमता का, उसके पढ़ने की शैली का, लगन का, ये विश्लेषण है। और वो ये प्रूव करता है कि उनका सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं, आप जो पढ़ते हैं और जो कमेंट्स करते हैं यूट्यूब से लेकर के दूसरी जगह, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में मेरी राय सीधी बन जाती है कि इनका रिजल्ट होना है या फिर इनका नहीं होना है, दोनों दोनों। कुछ कमेंट्स करेंगे, देखिए इसको ऐसे लीजिए, कुछ कमेंट्स करेंगे, ये सब बेसिक कैलकुलस से कुछ होने वाला नहीं है, बेकार का है। कुछ कमेंट्स करेंगे, इतना भाषण वासन क्यों देते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट का महत्व उनको पता ही नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन का महत्व पता ही नहीं है। इस कमेंट ने सिद्ध कर दिया उनका कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कमेंट जिन्होंने किया,
जिनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि अपने टीचर का रेस्पेक्ट कर सकें, वो सक्सेस क्या पाएंगे? इसने प्रूव कर दिया। और एक कमेंट है, सर मैंने 5 में 2 ही बनाया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कमेंट है, सर 1 ही बना, मैं अगली बार और ट्राई करूंगा। एक कमेंट है, मैंने सर 4 बना लिया, मैंने 5 बना लिया मॉक टेस्ट में, मुझे बहुत समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसके आधार पर मैं दूसरे क्वेश्चंस बना पा रहा हूं, मैं दूसरी बार वीडियो देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है। कमेंट्स बता देते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, मुझे दिखाई देता है। जो रोज कमेंट्स करते हैं मुझे दिखाई देता है किनका रिजल्ट होने वाला है, रिजल्ट हो के रहेगा। आप ईमानदार रहिए अपनी मेहनत के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने स्टडी के प्रति, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ऑल द बेस्ट।